नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तरफ से आपको काफी अच्छी खासी वैकेंसी जो है देखने को मिलेंगी, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की तरफ से जो हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी जहां पर निकाली गई है उनकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं, आप बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई हियर पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल वैकेंसीज के लिए वैकेंसीज की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो आपकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर रखी गई है वैकेंसीज की, उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए, जो आपका ओवरव्यू रहेगा इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ रहेगा। बीएसएफ की तरफ से आपकी वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात कर लें तो हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी गई है। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 247 वैकेंसी रखी गई हैं। साथ ही में अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 22 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और 12 मई 2023 तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, एंड इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना होगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। सैलरी के बारे में बात कर ली तो 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी, एंड लेवल 4 से आपको सैलरी यहां पर मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी bsf.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो 14 अप्रैल 2023 को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, एंड 22 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12 मई 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही में दोस्तों, 4 जून 2023 को आपका जो है एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो एग्जाम के लिए भी आपको ज्यादा टाइम यहां पर नहीं मिलने वाला है, एंड इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर पद के लिए आपको 217 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए 30 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 247 रखी गई है। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करें तो जो भी कैंडिडेट अपना 12th क्लास पास कर चुका है वो कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपने 60% मार्क के साथ में अपनी 12th क्लास को कंप्लीट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में, तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके पास में आईटीआई है और आप 10वीं पास है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 25 साल तक के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एंड ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रखी गई है। सो इसी के साथ में एज रिलेक्शन आपको यहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार दिया जा रहा है, मतलब कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एससी एसटी एंड एक्सेसमेंट कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैश कार्ड और वॉलेट के माध्यम से इजिली जमा कर सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर लें कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम
ढंग से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना होगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए, आपका 2 घंटे का यहाँ पर पेपर रहेगा, जिसमें 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और 4 सेक्शंस आपको बीएसएफ रिटन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और 0.25 मार्क आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मतलब कि दोस्तों, फिजिक्स से आपके जो है 40 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से भी आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। इसी के साथ में इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। सिलेबस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आप यहां से इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। चेस्ट आपका मिनिमम 80 रखा गया है, 80-85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना बेहद जरूरी है। एंड रनिंग के लिए बात कर ले तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसे 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट की रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, एंड 3.5 फीट की हाई जंप रहने वाली है। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट की हाई जंप आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।